मेरा नाम राधिका जुनेजा है. कुकिंग इज़ माई पैशन एक्चुअली. आई लव टू कुक एंड आई कीप ट्राइंग न्यू रेसिपीज एवरी डे. और इसका भी ये जो शुरू करना फूड क्लाउड के साथ काम करने का एक पैशन था. ये लाइक आफ्टर 50 जैसे होता है कि लाइक यू वॉन्ट टू डू समथिंग और अब क्या करो लाइफ में, कुछ तो करना ही है. और मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि लाइक जैसे लेडीज़ होती हैं कभी किटी पार्टी कर ली, फ्रेंड्स के चले गए, किसी के घर चले गए. आई कॉन्ट डू दैट एवरी डे. आई कॉन्ट डू दैट. तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड कुकिंग. तो थेपला बनाने के लिए अब सिर्फ सबसे पहले एक बोल में आटा लीजिए, गेहूं का आटा सिंपल, और उसमें बेसन डालिए और थोड़ा सा दही, फ्लेवर ऑफ जिंजर गार्लिक, सॉल्ट, हल्दी पाउडर. ज़्यादातर मेथी का फ्लेवर होता है. अगर मेथी अवेलेबल नहीं है तो यू कैन पुट करेंडर लीव्स ऑल्सो एंड ऑयल. तो इसको जैसे आपने एक नॉर्मल आटा बनाते हैं पानी के साथ गूंद लो. और उसकी छोटी छोटी लोइयां बना के और उसको बहुत बहुत पतला. थेपला इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम रोटी बिकॉज इट इज वेरी थिन. थेपले को आप बहुत पतला बेल के उसके ऊपर तवे के ऊपर डाल दीजिए. बट जो इसका फ्लेम है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए बिकॉज नहीं तो थेपला सूख जाएगा. थोड़ा सा हल्का सा ऑयल डाल के शेलो फ्राई करके और आप इसको सेक सकते हैं और फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में फॉर 2 to 3 months. एंड देन इफ यू आर गोइंग समवेयर अब्रॉड एंड ट्रेवलिंग अब्रॉड यू कैन कैरी देम विद यू. आई जनरली मेक आलू की सब्जी, मिर्ची का अचार और आम की चटनी. इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद थेपला. तो यू कैन रियली एन्जॉय इट विद ऑल दिस थिंग्स. अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी तो आप फूड तक को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं.